नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम आज सवेरे में। We do hope the day starts on a note of joy and positivity and brings to you a lot of sunshine and smiles. आइए जानते हैं आज का विचार। पुस्तक वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। Friends, it is now time to introduce to you our guest for the day. So our guest today is the very versatile, the very dynamic and the very eminent author, blogger, writer and the pioneer and founder of India's first partition museum and a first in the world as well. My privilege today to welcome in our studios Kishwar Desai. Thank you so much for joining us today. Such a pleasure having you here, ma'am. शुरुआत करना चाहूँगी मैम आपसे जान के पार्टीशन म्यूजियम जो आपने एक नोवल कॉन्सेप्ट जो भारत में कभी नहीं हुआ था एक आम आदमी की कहानी को दर्शाने के लिए उसके दर्द को उस दर्दनाक खौफ को जिससे हम सब गुजरे हैं उसको दिखाने का एक प्रयत्न किया है तो इसका आइडिया आपके विचार में मतलब हाउ डिड यू एवर थिंक ऑफ दिस? बहुत सालों से ख्याल मन में था कि इतिहास में ये सबसे बड़ी माइग्रेशन है इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेशन 18 मिलियन पीपल आप समझ 14% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वेल यस यू नो इन अ सेंस कि उनको सबको अचानक अपना घर छोड़ के किसी और देश में जाना पड़ा उस टाइम क्योंकि वो देश नया था उनके लिए चाहे वे इंडिया से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से इंडिया आए दोनों तरफ उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा और इसके बावजूद उन्होंने अपने बलबूते पर ही क्योंकि जब बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए थे उनके पास सब कुछ उनका लूट किया था उनके हाथों में कुछ भी नहीं था पर उन्होंने फिर भी हिम्मत दिखा के एक नई जिंदगी की शुरुआत की सो आई थॉट दैट दिस वाज अ ग्रेट स्टोरी इट्स अ स्टोरी नॉट ओनली ऑफ सफरिंग एंड ऑफ लॉस बट आल्सो अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यूथ ऑफ टुडे बिकॉज जब लोगों का सब कुछ लुट जाता है फिर भी वो एक नए देश बनाने में जुट जाते हैं सो इट्स एन अमेजिंग थॉट मैंने सोचा था इसके बारे में करीब 20 साल पहले पर उस टाइम मैं टेलीविज़न में आप जैसे काम कर रही थी टीवी में एंड आई वाज वेरी बिजी एंड टाइम ही नहीं था ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप काम करोगे ना तो पूरे जुनून के साथ काम करना पड़ता है बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी वाइड स्प्रेड द इम्पैक्ट ऑफ दिस पार्टीशन वॉज वेरी वाइड स्प्रेड Not only India, Pakistan, but all across the world, the migrants went all across the world. तो उनकी कहानियाँ जोड़नी उनकी चीज़ें इकट्ठी करनी इट्स अ बिग प्रोजेक्ट तो पिछले साल मतलब एक्चुअली 2015 में हमने इसके बारे में सोचा कि अब मैंने अपनी एक किताब ख़त्म की थी हमने एक महात्मा गांधी जी का स्टैचू भी लगाया था लंदन में और उसके बाद ये ख्याल आया कि चलो अब थोड़ा सा एक गैप है हम एंड वाई डोंट आई लुक एट दिस प्रोजेक्ट ऑल ओवर अगेन और फिर उस टाइम 2015 में हमने सोचा कि इसको क्यों ना दोबारा इसका अटेम्प्ट किया जाए एंड द थॉट टुक सीड हाँ आपने अभी जैसे कहा कि इट इज़ द बिगेस्ट माइग्रेशन which has happened in the history of the world because millions of people were you know affected kis tarah ka bantwara tha ye ये जी क्योंकि ये बहुत अचानक हुआ अगर आप इतिहास में देखें ऐसे कभी नहीं हुआ था क्योंकि आपको याद होगा ये एक रैडक्लिफ लाइन बनी थी और जो सर सिरिल रैडक्लिफ थे उस टाइम माउंटबेटन वाइसरॉय थे इंडिया के तो उन्होंने इन जज को बुलाया लंदन से और बोला कि क्यों नहीं आप इस देश के बंटवारे के बारे में सोचो और 6 हफ्ते में ये बंटवारा पूरा होना है तो इन 6 वीक्स इंडिया वॉज पार्टीशन्ड एंड दिस इज़ द शॉकिंग थिंग दैट यू नो एंड दिस जेंटलमैन हैड नेवर बीन टू इंडिया बिफोर तो कभी उन्होंने ना ये देश देखा था ना कुछ पर आके उन्होंने वो बंटवारे की एक लाइन ड्रॉ कर दी बोथ
इन द ईस्ट एज वेल एज द वेस्ट. तो आपकी बात सही है कि लोगों को अचानक के बाद 17th, इसीलिए हमने एक पार्टीशन डे भी, पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे भी अब शुरू, उसकी शुरुआत की है. 17th August हमने वो रखा है वो दिन, ये सोच के, और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है पंजाब गवर्नमेंट को कि हर साल इसको मनाया जाए, इस बात का सोचने के लिए कि जब वो लोगों को उस दिन पता चला कि वो इंडिया में हैं कि पाकिस्तान में हैं, तो कैसे वो उन्होंने अपनी चीज़ें बटोरी, क्या क्या उन्होंने उठाया. और ये म्यूज़ियम में पूरी स्टोरी उनकी है कि कुछ लोग आए तो उनके पास सिर्फ एक बक्सा था और कुछ भी नहीं था, उनके पास टाइम ही नहीं दिया गया कि कोई चीज़ वो उठा के ले आएँ. और कुछ लोगों ने चलो अपने जेवरात उठाए, कुछ लोगों को थोड़ा सा इल्म था पहले से ही कि ये होने वाला है, सो दे हैड अ लिटिल मोर टाइम, और वो अपनी सारा, अपनी सारे घर की चीज़ें उठा ले आए. पर जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे मदर के जो पेरेंट्स थे, उनके पास तो टाइम ही नहीं था. उन्होंने सोचा नहीं ये होगा ही नहीं, इस तरह का कभी किसी ने सुना ही नहीं था कि एक दिन आप किसी देश में हो, दूसरे दिन आप किसी, एंड वो लाहौर में रहते थे उस ज़माने में. तो उन्होंने कहा चलो एक छोटा सा बक्सा हम बांध लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें डाल लेंगे और कुछ दिनों बाद फिर वापस आ जाएंगे. बट दे कुड नेवर गो बैक, सो दे लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब कुछ भी उस घर का कोई भी सामान नहीं लेके आए. सो बाद में वो, फिर बाद में जब यू नो दोनों गवर्नमेंट्स ने बैठ के कुछ इस तरह की यू नो कमिटीज बनाई और उन्होंने देखा कि किसको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या मिलेगा ऐसे, पर उसमें बहुत समय लगा. यू नो 2-3 साल गुजर गए और लोगों को फिर, जैसे कि वो आए इधर, आप समझ लीजिए अचानक कुछ चीज़ भी नहीं थी उनके पास, फिर रेफ्यूजी, हाँ ट्रॉमा, फिर रेफ्यूजी कैंप्स में रहना, एक कैंप में दो दो फैमिलीज़ रहती थी, एक टेंट के अंदर दो दो फैमिलीज़ रहती थी, और ये जो कैंप्स हैं ये कहाँ कहाँ बिखरे हुए थे. ये भी अब एक ऐतिहासिक मामला है. और जब हमने ये काम शुरू किया पार्टीशन म्यूज़ियम का, हमें पता चला कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है. जैसे कि दिल्ली में ही आप देख लीजिए, इतने सारे जो अब आप कॉलोनीज समझते हैं वो एक समय में रेफ्यूजी कैंप्स थे. लाजपत नगर आप ले लीजिए, करोल बाग ले लीजिए, चितरंजन पार्क, दीज आर ऑल रेफ्यूजी कैंप्स. सो दिस इज़ अ थिंग विच वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इन द म्यूज़ियम, दैट पीपल lost everything but they did not lose hope, and today you find ke unke bachchon ne bahut acha kiya hai, aage wo bade hain. Par ye ek trauma jo hamare sath hua tha, iske ek aur baat main aapko banana chahti hu Nidhi ji, ke it was not just ke logon ko ghar chhod ke aana pada and the story ended there. Nahi, it was also division of cultures. आप देख लीजिए पंजाब के कल्चर का भी बंटवारा हुआ. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो वहाँ छूट गईं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी रह गईं इधर आने के बाद. आप म्यूज़ियम्स को देख लीजिए, म्यूज़ियम्स का भी बंटवारा हुआ. जो हमारा, मतलब एक हमारा धरोहर, यू नो इट्स अ ट्रेडिशन एंड अ कल्चरल थिंग फॉर अस, वो सारी चीज़ें उधर भी रह गईं. फुलकारी का आप देख लीजिए, फुलकारी बनाने का एक तरीका उधर रह गया, एक तरीका इधर आ गया. क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूजिक का भी बंटवारा हो गया. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब एक एक कागज डिक्शनरी तक बांटी गई है भारत की गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की, जबकि पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ अस. यस, इट वाज ऑल एब्सोल्युटली एक अखंड भारत का हिस्सा था. मतलब हम सब इकट्ठे एक ही तरह के लोग थे. आपको कोई फर्क नहीं महसूस होगा जब आप हमारी म्यूजियम में आएंगे, आप देखेंगे कि जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं जो लोगों ने हमें दी हैं, वो एक ही तरह की चीज़ उधर भी थी इधर भी थी, पर एक लाइन खींच दी गई. और उस लाइन के बारे में, उसका पहले क्या, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, पार्टीशन म्यूजियम में यही दिखाया गया है. हम इसके बारे में अब बात कर रहे हैं बिकॉज आपने ये चीज़ सामने लाई. वी ओनली चूज टू ऑनर द लीडर्स, जो उस समय के नेता थे या जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी हम हमेशा बात करते हैं, पर ये हमने कभी नहीं सोचा कि इतने बड़े माइग्रेशन में इतने सारे लोग इफेक्ट हुए. उनको कैसा लगा होगा? जी, मतलब उनका जी, क्या नाइटमेयर. दिस इज अ पीपल्स म्यूजियम. आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो म्यूजियम बनी गई है इट्स अ पीपल्स म्यूजियम. उनकी ओरल हिस्ट्रीज हम रिकॉर्ड करके हमने डाली. हाँ, ओरल जो हिस्ट्रीज़ होती हैं, जो हम किताबों में स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सिर्फ विक्ट्री, जिनको विक्ट्री हासिल होती है, जीत हासिल होती है, उन्हीं की कहानियाँ हम पढ़ते हैं. पर इधर हम चाह रहे थे कि जिन लोगों के घर लूट गए, जिनकी एक्सपीरियंसेस क्या थी, और ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं थे इससे पहले, वो बहुत कुछ थे,
उनके पास बहुत कुछ था और उसकी उसके थ्रू हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं. सो वी डिसाइडेड दैट दिस वाज गोइंग टू बी अ पीपल्स म्यूजियम एंड इन अ पीपल्स म्यूजियम वी रिकॉर्डिंग देयर स्टोरीज, वी आर पुटिंग ऑल देयर थिंग्स देयर. सो व्हेन यू एंड आई विजिटर्स गो देयर, you know, people are astonished to see the wonderful stories and tales that they have to tell. Aur bitterness bahut kam hai, logon ke andar koi bitterness nahi hai. Wo kehte hain ha jo hua so hua, you know, this is a very Indian way of looking at things, ke ab ye destiny thi ya jo bhi tha wo hona hi tha. Par uske ilawa jab wo apni kahaniyan batate hain, रोने के बाद वो हंसते भी हैं, बोलते हैं कि हम जाते हैं वापस अपने घर भी देखते हैं. would be in the 80s or 90s. हाँ जी, we were lucky that अभी देखिए 70 साल हुए हैं. इससे पहले आपकी बात सही, किसी ने ये म्यूजियम के बारे में नहीं सोचा था. सो वी गॉट इट जस्ट इन टाइम बिकॉज अभी भी कुछ उस जनरेशन के लोग हमारे पास हैं. हाँ जी, जो अभी 70, 80, 90 साल के हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, उनको एक एक चीज की बात अभी याद है. और दिस वॉज वेरी लकी फॉर अस. अगर ये म्यूजियम 5-7 साल बाद में बनता तो मुश्किल होती. और ये 70 साल की जो एनिवर्सरी है उसी को सेलिब्रेट या कमेमोरेट आप कह सकते हैं, सेलिब्रेशन तो इसमें कोई नहीं थी, पर कमेमोरेशन, रिमेम्बरेंस डे, इसीलिए हमने रखा कि उस हिस्ट्री को हमें याद करना बहुत ज़रूरी है. देखिए आज के बच्चों को कुछ पता नहीं, उनको मालूम नहीं कि उनके दादा दादी जब इधर आए थे, इंडिया आए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, नाना नानी के पास कुछ नहीं था, कैसे वो प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें बेच के अपने पैसे कुछ कमाते थे, ये कहानियाँ उधर. और अब वही, अब देखिए मुंजाल साहब की स्टोरी है, जो अब हीरो होंडा जो ये अब इतनी बड़ी उनकी मतलब कंपनी है, पर उस ज़माने में सब कुछ उनका भी लूट गया था, कुछ भी नहीं था. और जब मैंने उनकी वाइफ की इंटरव्यू करी थी तो बता रही थी कि जब वो भी आए थे, वो भी रेफ्यूजी बन के ही आए थे, उनकी फैमिली भी, और वो बता रही थी जैसे कि छोटी सी आप 4x6 कारपेट की जगह उनको मिली थी एक रेफ्यूजी कैंप में रहने के लिए. और जब मैंने उनकी स्टोरी रिकॉर्ड की, वो तो एक बहुत बहुत ही पॉश दिल्ली की कॉलोनी में हुई थी, तो एक जनरेशन में थ्रू हार्डवर्क इतना अंतर आ गया. थ्रू हार्डवर्क, मेहनत का नतीजा ये होता है. ये भी एक हमारी, हाँ जी, एक सीख है इस म्यूजियम में से. और दूसरी जो सीख है वो होप, कि आपको कभी भी कुछ भी आपके साथ हो, यू शुड नॉट लूज होप. आजकल के तो बच्चे समझते हैं हमारा मोबाइल फोन गुम हो गया तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई. बट नाउ थ्रू दिस म्यूजियम यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन पीपल लूज एवरीथिंग, इवन देयर लव्ड वंस. इस तरह की स्टोरीज हैं जहाँ आपको पता है कि किसी की वाइफ की वॉज किल्ड, समबडीज हस्बैंड इज शॉट डेड इन फ्रंट ऑफ देयर आइज, सम लिटिल चाइल्ड गोज मिसिंग. इस तरह की बहुत ही पावरफुल स्टोरीज हैं, पर प्यार की भी स्टोरीज हैं. हाँ, जहाँ पे इसका एक फुलकारी कोट की बहुत प्यारी स्टोरी है जी. ये स्टोरी, वी वर सो टच्ड. ये एक फैमिली ने हमें दिया है, एक फुलकारी कोट दिया और एक ब्रीफ केस दिया. और ये थी उनके यू नो पेरेंट्स की कहानी. जब वो आए थे तो एक्चुअली पार्टीशन से पहले उनकी ऑलमोस्ट यू कैन से इंगेजमेंट हो चुकी थी इस कपल की, पर क्योंकि फिर राइट्स हो गए तो फैमिलीज बिछड़ गईं, वो कहीं चले गए, वो एंड द लेडी वॉज ऑल्सो लॉस्ट. सो वो अलग से अपने भाई के साथ ट्रेन में आई और जब वो अमृतसर पहुँचे एक रेफ्यूजी कैंप में, क्यू में खड़े हुए थे जहाँ पे उनको खाना मिलता था, तो अचानक उन्होंने देखा, अभी मुझे गूसबम्स हो जाते हैं स्टोरी सुनाते हुए, तो उन्होंने देखा कि ओ वो आदमी जिनके साथ उनकी मंगनी होने वाली थी वो तो उधर ही खड़े हुए हैं. तो फिर उनके यू नो पेरेंट्स ने कहा ये तो डेस्टिनी है, यू वर फेटेड टू मैरी ईच अदर, तो उन्होंने उनकी शादी कर दी. पर इस तरह की बहुत सारी बहुत स्वीट प्यारी कहानियाँ भी हमें मिली हैं जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे की मदद भी की. हिंदुओं ने मुसलमानों की मदद की, मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद की, उनको छुपाया अपने घर में, उनकी हिफाजत की. और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये भी हमें सोचना है कि जब कम्युनिटीज इकट्ठी रहती हैं, हाँ आपके डिफरेंसेस हैं, आपके रहन सहन अलग अलग हैं, पर आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हो. एक मोहब्बत जो आप दिखा सकते हो दूसरे के लिए कि आपकी ज़िंदगी जो भी है वो भी इतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी. इस तरह की भी स्टोरीज़ बहुत सारी हैं. और लोगों की मदद जो थी ना, वही कारण है कि अभी भी कुछ इंसानियत आपको दिखाई देती है. और अमृतसर में जो बिल्कुल बॉर्डर, लोग इतनी बिटरनेस नहीं रखते अपने मन में. वो समझते हैं हाँ जी हुआ था, पर फिर भी हम सब एक
मिलके रहते हैं। मगर आपका इंटरेस्टिंगली जलियांवाला बाग से थोड़ी दूरी पे ही है टाउन हॉल में, तो व्हाई दैट प्लेस एंड उसका क्या रेलेवेंस है? टाउन हॉल का, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ओल्ड बिल्डिंग। इट वॉज मेड इन द, यू कैन से, मिड 19th सेंचुरी, एंड द इट्स अ ब्रिटिश बिल्डिंग ऑफ कोर्स, यू नो, कंस्ट्रक्टेड इन अ वेरी ग्रैंड स्टाइल। It was the municipal corporation headquarters tha udhar. It was also the Kotwali. To aapne Jallianwala Bagh ki baat ki, to bahut sare jo arrests hue the us zamane mein, wo sab log udhar hi Kotwali mein, udhar unko band kiya gaya tha. During the freedom struggle also town hall ki kafi ahmiyat rahi hai. Par iske bawajood, iske alawa ek bahut important baat hai, it was a witness. Jab partition hua, town hall was there. So, बहुत सारी डिसीजंस जो ली गई थी वो उधर उसी एरिया में ली गई थी। सो एक हब था, सिटी गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल करीब है। बहुत सारे लोग जो ये पार्टीशन के बाद आए थे, उधर ही उन्होंने शेल्टर लिया, उधर ही वो रहते थे। तो बिल्कुल वो उसने, उस बिल्डिंग ने बहुत कुछ देखा हुआ है। सो वी थॉट दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस एंड वी आर वेरी लकी कि उस टाइम पंजाब गवर्नमेंट, बादल साहब की सरकार थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी बात है आपने की है कि ये म्यूज़ियम बननी चाहिए। और मेरी उनकी, उन्होंने जो मुझे बताया उस दिन, उन्होंने कहा था, बीबी तुसी नहीं करोगे तो ऐसी कर लांगे, इफ़ यू डोंट मेक द म्यूज़ियम आई विल मेक इट। सो वी डिसाइडेड टू गो अहेड विथ हिज ब्लेसिंग्स and we were very fortunate, Jaitley sahab bhi aaye the, Arun Jaitley haan ji, he also came when we started the curtain raiser exhibition. But we have got equal support from the present government Captain as well. Amrinder Singh bhi. Captain Amrinder Singh ne bhi madad ki hai hamari, Sidhu ji ne bhi madad ki, because ye hai ki ye ji is historic, ek aisi cheez hai koi mana nahi kar sakta ki ye baat hui thi और इसकी इम्पोर्टेंस को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। नहीं जी, नहीं जी, सब लोग इन, एवरीबडी इन पंजाब, गांव गांव में ये कहानी लोगों के दिलों में लिखी हुई है कि पार्टीशन हुआ था, बंटवारे, और आप समझोगे कि पूरे के पूरे गांव रिलोकेट हो गए थे। ये भी हमारी म्यूजियम में है, पूरा का पूरा गांव उधर चला गया, पूरा गांव उठ के इधर आया। ये काफिले जब आप देखते हैं, वो जो आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी, लाखों लोग इकट्ठे चल रहे हैं, वो इस ऐसे हुआ था निधि कि जब एक गांव से बात फैली कि पार्टीशन होने वाला है, आपको जाना है, सारे लोग इकट्ठे हो गए, एकदम उठे, दूसरे गांव में गए, उनके साथ लोग जुड़ गए, फिर और लोग जुड़ गए, और इसी तरीके से काफिला बने थे उस ज़माने में। तो उस, वो स्टोरीज भी हमारे म्यूजियम में है कि माइग्रेशन में क्या हुआ, कैसे आपने कैसे लोग आए। इंटरेस्टिंगली काफी डिफरेंट सेगमेंट्स कर रखे हैं, पार्टीशन वॉल्स कर रखी हैं जी, और हर 14 गैलरीज है हमारे पास, और एक गैलरी की एक डिफरेंट कहानी, डिफरेंट कहानी है, हर एक गैलरी में डिफरेंट कहानी है। हमारी शुरुआत होती है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अमृतसर इटसेल्फ, कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, फिर स्टोरी ऑफ पंजाब है, देन वी टॉक अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, बिकॉज आप ये नहीं कर सकते कि पार्टीशन की स्टोरी और फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी अलग अलग करो, दे आर इंटरट्वाइंड। मतलब कि जैसे एक चीज़ इधर डेवलपमेंट होती थी, उधर ही एक डेवलपमेंट उधर होती थी, तो वो पूरी कहानी हम बताते हैं। फिर हम आते हैं फॉर द टू इंडिपेंडेंस, देन वी कम टू द एक्चुअल पार्टीशन, उस ज़माने में क्या हुआ था, फिर उसके बाद माइग्रेशन की स्टोरी बताते हैं, फिर रीसेटलमेंट और रिफ्यूज की स्टोरी, कैंप्स क्या कहाँ बने थे, कैसे लोग रहते थे, एंड लास्ट ऑफ कोर्स इज द गैलरी ऑफ होप। हैव यू यूज्ड ऑडियो विजुअल एड्स? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सारी, आई थिंक एट प्रेजेंट वी मस्ट बी हैविंग एट लीस्ट अबाउट 150 to 200 स्टोरीज, ओरल हिस्ट्रीज प्लेइंग इन द म्यूजियम, लोगों की आप बीती कहानियाँ उसमें चल रही हैं। एंड अगर दैट जनरेशन इज़ नॉट अवेलेबल, देन द नेक्स्ट जनरेशन, जैसे वो बता रहे हैं अपने पेरेंट्स की स्टोरी, तो हर एक गैलरी में अलग अलग स्टोरीज चल रही हैं अबाउट पार्टीशन एंड ऑल्सो प्री पार्टीशन, इवन अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल। वहाँ के भी निधि, वी आर वेरी प्लीज टू से, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं ऑफ लोग जो उस ज़माने में फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी फैमिलीज ने हमें दिए हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि कितना उस टाइम लोगों के दिल में जुनून था अपने देश के लिए, विच इज़ वाई देर इज़ नो बिटरनेस, विच इज़ वाई जब पार्टीशन भी हुआ, लोगों ने कहा नहीं, हम अपने देश के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इस थॉट के साथ वो अपने घर छोड़ के आए थे। डू यू थिंक दैट स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड एंड lot of trips to be, should be taken to such definitely, a place so that definitely. You know ji jo aap itihas ko kitabon mein padhte hain na, it's not the same thing. Agar aap jaate hain, it becomes alive.
अगर आपको पेन है तो उससे भागो मत, उसको कन्फ्रॉन्ट करो. हाँ जी. एंड वंस यू डू दैट द पेन बिकम्स लेस. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ योर पेरेंट्स, द पेन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स. ये नहीं क्योंकि उन्होंने चुप्पी साधी रही इतने साल, आप उसको वैसे ही रहने दो. आपका भी ये एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समझने के लिए कि उनके ऊपर क्या बीती, ट्रॉमा क्या हुआ. एंड फॉर हिस्टोरिकल रीजंस वी आर द स्कूल्स आर कमिंग, बहुत स्कूल्स आ रहे हैं, बहुत कॉलेजेस आ रहे हैं हमारे पास. वो तो एक एक गैलरी में एक एक घंटे के लिए रहते हैं, पढ़ते हैं एक एक चीज़, बिकॉज वो कहते हैं कि आपने कोई बायस नहीं दिखाया. एंड दिस इज़ एक्चुअली प्राइमरी मटीरियल, क्योंकि जो ओरिजिनल मटीरियल है हमने उसको डिस्प्ले किया है. हमने ये नहीं कहा था कि कहते कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ. पीपल कैन कम एंड दे कैन रीड एंड दे कैन मेक आउट, यू नो, दे कैन जज फॉर देमसेल्फ्स. नहीं 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 मैम, आप बात कर रहे थे पार्टीशन के दर्द की और किस तरह आम आदमी के लिए ये म्यूजियम बनाए, तो क्या आपने इसके लिए इंस्पिरेशन जापान के हिरोशिमा ट्रेजेडी या साउथ अफ्रीका के अपार्थीट से ली, कहाँ से मिली आपको ये इंस्पिरेशन? जी, पहले तो खुद अपनी फैमिली से ही मैंने देखा. जैसे मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी यही हुआ था कि उनको सब कुछ छोड़ के इस साइड आना पड़ा था. और बहुत सारे हमारे जाने पहचाने लोग भी हैं जो जिनके साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं, ऑब्वियसली जिनकी भी बहुत सिमिलर स्टोरीज़ हैं, जैसे कुलदीप नायर साहब हैं, गुलजार साहब हैं, जो जिन्होंने भी सफ़र किया. तो उनकी स्टोरीज़ देखने, उनकी कहानियाँ देखने के बाद इंस्पिरेशन तो मुझे मिली थी कि ये चीज़ें हमें इकट्ठी करनी हैं. पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये अकेले तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता. ये म्यूज़ियम बहुत बड़ी है, हमारे पास एक टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, यंग टीम है मोस्टली. जो एक ट्रस्ट हमने बनाया था, ट्रस्ट में तो थोड़े से एल्डरली लोग हैं जैसे मैं, पर जो हमारी म्यूज़ियम एक्चुअली चलाती हैं वो एक बहुत यंग हमारी CEO हैं, मलिका अलवालिया, वो चलाती हैं. अपनी एक उनके पास पूरी टीम है जो ये म्यूज़ियम की देखभाल भी करते हैं और चलाते भी हैं और इंफॉर्मेशन और क्यूरेशन भी करते हैं. पर इसकी जो एक्चुअल, अगर आप देखिए, इस तरह की म्यूज़ियम्स पूरे दुनिया में हैं. चाहे आपने हिरोशिमा की बात की, अपार्थाइड की बात की, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हैं हर एक देश की हिस्ट्री में, उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया. क्यों डॉक्यूमेंट किया? क्रॉनिकल किया. क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दोबारा कभी ना हो. जब लोग जाते हैं उसके अंदर, वो एक खौफ से, खौफनाक चीज़ें देखते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं जो उनकी कॉन्शियस को जैसे कि चुप जाते हैं, और वो समझने लगते हैं कि ये इंसान को दूसरे इंसान के साथ ये कभी नहीं करना चाहिए. वन ऑफ द म्यूजियम्स विच रियली डिड अफेक्ट मी अलॉट, यस यू आर राइट, व्हेन आई वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड आई सॉ द अपार्थाइड म्यूजियम, बिकॉज वो अभी छोटी सी म्यूज़ियम है, उसमें जो भी चीज़ें उन्होंने डाली हुई हैं वो इतनी अपने आपके दिल को छूती हैं. इसके अलावा होलोकॉस्ट का ही एग्जांपल ले लीजिए, वो तो सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी हुई थी वर्ल्ड वॉर टू में, और उसकी जो म्यूज़ियम्स बनी हैं पूरे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ एक एक चीज़ लोगों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है, और वही हमने इधर भी किया. हमने लोगों के पास गए और हमने कहा कि आप, क्योंकि सरकार ने हमें बिल्डिंग तो दे दी थी पर हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने लोगों के पास ही गए और हमने उन्हीं से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें तीन चीज़ दे दीजिएगा, या अपनी मेमोरीज दे दीजिए जो आपकी ओरल हिस्ट्रीज हैं, मेमोरबिलिया दे दीजिएगा जो आपकी चीज़ें हैं जो उस ज़माने की हैं वो दे दो, और मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी भी ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि कुछ भी है आपके पास ज़रूर दीजिएगा. और थर्ड वन वॉज ऑफ कोर्स मनी. आप जो भी देंगे हमें, चाहे 10 रुपये भी दें या 1,000 रुपये दें या लाखों में दें, जो भी दें, इट इज़ वेलकम, बिकॉज दिस इज़ अ पीपल्स म्यूज़ियम. ये हमारे लिए नहीं बन रही निधि, ना आपके लिए, ये अगली जेनरेशन्स के लिए बन रही है. जब ना आप रहोगे ना हम, पर ये जो हमारे साथ गुजरी थी उस ज़माने में इन 1947, ये यादें रहेंगी. हाँ, लोगों की यादें रहेंगी. और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लोग जाते हैं उधर और अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढ लेते हैं. जैसे वहाँ पे एक नेहरू जी के साथ एक तस्वीर लगी हुई थी एक रेफ्यूजी कैंप में. दिस लेडी केम एंड शी सेड, बट दैट्स माय फादर एंड देन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू नेहरू. सो देन शी गेव अस अ लॉट ऑफ मटीरियल व्हिच वाज क्रिएटेड इन दैट रेफ्यूजी कैंप, बिकॉज हर फादर वाज लुकिंग आफ्टर द रेफ्यूजी कैंप.
सिमिलरली इट हैज़ हैपन्ड विद अस रिसेंटली. कोई विजिटर आए थे और उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को देख लिया, देखते कि ये तो मेरा, ओ माई गॉड, ये हमारा लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव. सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग. इट इज जॉइनिंग पीपल, पीपल हु गॉट लॉस्ट फ्रॉम ईच अदर, मेमरीज दैट गॉट सेपरेटेड, पीपल हु गॉट सेपरेटेड, दे आर फाइंडिंग ईच अदर. एक और मैं आपको ये छोटी सी बात बता दूँ, एक चिट्ठी हमारे पास थी, ये एक लास्ट लेटर थी किसी की, और उन्होंने हमें, उस फैमिली ने हमें एक रेफ्यूजी कार्ड दिया था कि हमारी जब फैमिली आई थी उनके पास, देखिए आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपके पास कुछ नहीं था उस जमाने में, एक रेफ्यूजी कार्ड मिलता था, उसी के थ्रू आपको जो भी मिला तो मिला, जैसे घर मिल गया या कुछ मिल गया. तो ये फैमिली आई और उन्होंने कहा ये तो हमारे नेबर्स थे, हाँ, जहाँ हम पहले रहते थे, अब नाउ व्हाट इज़ पाकिस्तान. एंड दे सेड इन्होंने हमारी इतनी मदद की, कहाँ रहते हैं हमें बताओ. तो वी गेव देम द एड्रेस और फिर वो दोनों परिवार मिल चुके एक दूसरे के साथ. सो दिस इज, दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस म्यूजियम, बिकॉज इट वॉज सच अ बिग डिसरप्शन, यू नो, इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. ये अभी एक ही साल हुआ है, धीरे धीरे तो और कमाल होंगे. जी, आपने बात की सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर की एज यूजिंग दिस पार्टीशन म्यूजियम, तो उसका एक हिस्सा है सेलिब्रेटिंग कल्चर थ्रू सिनेमा, जिससे आप बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं. आपकी जो कहानी डार्लिंग जी की, मैं शुरुआत में बात करूंगी, नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी. नरगिस की अगर हम हिस्ट्री देखें तो पार्टीशन के बाद उसकी मदर एक सॉन्गस्ट्रेस थी, और सुनील दत्त की देखें तो वो रिफ्यूजी पेवमेंट पे रहते. तो ये आपने इन दोनों चीज़ों को कैसे जोड़ा? आई हैव बीन वेरी लकी कि जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स रहे वो सही तरीके से लोगों ने अप्रिशिएट किए, जैसे कि अब पार्टीशन म्यूजियम पीपल आर लाइकिंग वेरी मच. डार्लिंग जी एक ऐसी किताब थी जो शुरुआत हमने की थी ये सोच के कि नरगिस की कहानी लिखेंगे, एंड माय हस्बैंड एंड आई वांटेड टू राइट इट टुगेदर, कि हम इकट्ठे, ही रियली एडमायर्ड हर, आई आल्सो वाज अ बिग फैन ऑफ नरगिस. बट जब हमने सुनील दत्त जी से मुलाकात की तब हमें पता चला कि ये जो एक इंसान है इतने अच्छे इंसान थे, इतने नेक और शरीफ बंदे थे, और उन्होंने हमें कहा कि आपको ना नरगिस की, नो, ही कॉल्ड हर मिसेस दत्त, नरगिस कभी नहीं बोलते, बोले मिसेस दत्त की आपको रियल स्टोरी नहीं पता, कहते मैं बताऊंगा उनकी असली कहानी. तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो गुजर गए. फिर एक दिन फैमिली से ही एक फ़ोन कॉल हमारे पास आई, प्रिया की कॉल आई, कि उन्होंने, उनको कुछ डायरीज और लेटर्स उनके फादर की मिली हैं उनके गुजर जाने के बाद, और वो खुद नहीं जानते थे, उनको मालूम था वी वांटेड टू डू अ बायोग्राफी, कि उन्होंने फिर हमारे हस्बैंड और मुझे इनवाइट किया कि आप आके इन चीज़ों को देखो और देखो अगर इसमें से कुछ निकलता है. बहुत सारी तस्वीरें थी उनके पास. सो सब कुछ जोड़ जोड़ के हमने ये किताब लिखी. अल्टीमेटली माई हस्बैंड फाउंड दैट ही कुड नॉट अकंपनी मी सो ऑफन, बिकॉज बहुत सारी इंटरव्यूज़, 50 घंटे मैंने इंटरव्यूज़ भी ली अलग अलग लोगों की, जानने के लिए कि नरगिस के बारे में और सुनील दत्त. तो ये जो स्टोरी थी, अब ये देखिए ये भी एक हिंदू मुस्लिम स्टोरी है, बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, बिकॉज वो एक दूसरे के सेलिब्रेट भी करते थे, एक दूसरे के यू नो जो भी त्यौहार थे वो ईद भी मनाते थे, होली भी मनाते थे, सब कुछ. इट वॉज वन वंडरफुल फैमिली, ब्यूटिफुल फैमिली, वेरी सेक्युलर, a representation of secular India, I would say. तो वो जो story थी हमें बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि जो अगली पीढ़ी भी है उनकी, चाहे संजय, प्रिया, नम्रता, they all helped us. You know, they all said, this is a story that needs to be written. It was a fabulous journey. And I'm very grateful that it was, you know, that book has been chronicle really... Chronicle. जैसे आप celebrate cinema की बात कर रहे हैं, Nargis और Sunil Dutt की बात की आपने, इस तरह आपने देविका रानी को भी सेलिब्रेट किया जे, है. जे. You celebrated so many things in cinema which nobody knew about. Yes. Well, the Devika Rani book is going to come out, I think, within a year or so. उसकी अब उसको मैं अब कंप्लीट कर रही हूँ. दैट अगेन विल हैव सो मैनी एस्पेक्ट्स जो लोगों ने कभी ना देखे ना सुने. मैंने उसको भी 10 साल से उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग उसकी हर एक चीज़ होगी, पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहती, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ सरप्राइज, दो आई हैव स्पोकन अ बिट अबाउट इट इन द पास्ट. पर अब मैं, जब तक वो कम्प्लीट नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं एक और किताब पर काम कर रही हूँ जो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ बहुत जल्दी, बिकॉज that is related again to a historical aspect of India,
and that book will be finished, then Devi Karani will be finished, and then hopefully we'll meet again and discuss it more. Yes, but coming to an excerpt from your book, which I really loved, singing lullabies and wiping bottoms. I mean, how true is this? This is, I mean, you just hit the nail on the head. Such beautiful words. And you're talking of India's daughters. Yes. Aur aapne jo wo dard dikhaya hai, to wo hamare sabke beech mein ek sawal aata hai aapki kitab padhne ke baad, Witness of the Night, ki kya sikha rahe hain hum apne beton ko? What are we doing as a nation? I think this, in this budget presentation, or you know, in the economic report, Mr. Arvind Subramaniam had brought this issue up again, ke India's unwanted daughters. And I was really, you know, moved when I heard this. Even when Mr. Modi, in his first speech from Red Fort, when he had spoken about the need for even and toilets. He took a selfie and with daughter. You know, and the Beti Bachao, yes. Beti Bachao, Beti Padhao. You know, those things which are now happening, you are right. Some of us, certainly I was very troubled by this. Aur 10 saal pehle jab maine Witness the Night likhi thi, wo 2011 census se pehle maine likhi thi. Aur mujhe bahut ghabrahat ho rahi thi jab main dekh rahi thi cheezein kya ho rahi hain, halaat kya hain. Because I was a writer, I was a television producer. So when I used to go out, I saw that there was this discrimination between men and women all the time. And auraton ke saath khaas taur se, khana khayengi to last khayengi. Unko health care hoga to unko last health. Aur agar जब मैं रिसर्च कर रही थी विटनेस द नाइट के लिए, मुझे पता चला अजब अजब तरीकों से जो लड़कियां मारी जाती हैं और मारी जाती थीं पहले भी, जैसे ओपियम दे दिया गया या उनको बाहर रख दिया गया, रोती रोती स्टारवेशन से ही मर जाएंगी, बेरी कर दिए जाती थीं पंजाब में, जिंदा जिंदा दफना दिया जाती थी. तो यू नो, एंड दिस वॉज वेरी मच हैपनिंग इन पंजाब. और जब वो टेस्ट आए थे, द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, उससे तो बहुत ही हालात खराब हो गए थे. आई वॉज वेरी स्केर्ड. सो व्हेन आई रोट विटनेस द नाइट, इट वॉज अबाउट दैट, टू रेज अवेयरनेस. विटनेस द नाइट, ऑल्सो यू रोट मेंशन एन इंसिडेंट जहाँ पे जिस लड़की को ओपियम दिया जाता है, शी लिव्स विद दैट नोइंग कि उसके पेरेंट्स ने दिया उनको, और उसी तरह से वो बड़ी होती है. स्टोरी है उस किताब, उस किताब की ये कहानी है, एंड इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट. सो आई फील दैट वी आर नाउ एट अ स्टेज वेयर वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस. पर जब मैंने वो किताब लिखी थी निधि, आई गॉट सो मच क्रिटिसिज्म फ्रॉम सो मेनी पीपल कि आप नेगेटिविटी क्यों दिखाते रहते हैं, क्यों नहीं आप इंडिया के बारे में पॉजिटिव बातें करते. सो आई सेड, मैं इंडिया को पॉजिटिव बनाने की कोशिश तो हम कर सकते हैं ना टुवर्ड्स वुमेन. इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट टू बी नेगेटिव अबाउट इंडिया. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हम अपनी औरतों को क्यों नहीं अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते, क्यों नहीं बच्चियों को हम जिंदा रख सकते, पढ़ा लिखा सकते. हाँ, एग्जैक्टली. सो बट दिस बुक फॉर्चुनेटली गॉट एन अवार्ड इन द UK. It was chosen as the best first novel of the year. It got the Costa Award. तो उससे जो recognition आई ना इस किताब में, और बहुत languages में इसकी translation हुई, 25 हाँ जी, हाँ जी. तो उससे एक बहुत अच्छी बात ये हुई, और अब I think film भी बन रही है इसके ऊपर. तो it means के somewhere somebody is understanding the message. तो ठीक है, क्रिटिसिज्म भी मिली, पर उसके बाद उसके साथ साथ अप्रिसिएशन भी मिली कि आप सही बोल रहे हैं. 2011 सेंसस में ये बात प्रूव हो गई कि जो हमारी द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स बेसिकली एट बर्थ वाज ह्यूज. इन सर्टेन एरियाज इट इज इनॉर्मस, एंड वी हैव टू बी केयरफुल एंड लुक एट इट इन द आई एंड से यस, इट इज देयर, इट हैपेंस, वी कांट रन अवे फ्रॉम इट. नो, वी शुड नॉट रन अवे. ऑन दिस नोट, आई लाइक टू आस्क यू, व्हाट डू यू डू टू डी-स्ट्रेस एट टाइम्स? आई मीन, बिकॉज़ यू नो, राइटिंग इज अ लॉट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, डोंट यू थिंक सो? नो, आई फाइंड राइटिंग वेरी रिलैक्सिंग एक्चुअली. It puts me in another world. It makes me very happy. I leave this environment and I go in and into another trance kind of thing. Into another zone completely. Museum ke saath bhi, jab kisi cheez se aapko bahut lagav hai na, agar you, if you enjoy passionate, your work, yes. If you enjoy your work, to aap usi mein relax karte hain. Absolutely. But otherwise, I mean, physically, I mean, aap physically, kya karte hain to physically, take actually, a I love walk. Walking. I love walking. I'm not one of those gym people. I love walking. और योगा भी अगर कभी कभी कर सकते हैं, आई ऑलवेज ट्राई एंड फिट इट इन टू माई रूटीन. अगर कुछ नहीं हो तो मेडिटेशन, मतलब कि एटलीस्ट 10 मिनट्स आप अपने प्रेयर्स कर लो या कुछ भी कर लो. यू नो, आई एम अ बिलीवर, मतलब आई बिलीव इन हायर पावर.
एंड ऑन दिस नोट हम और आप देखते हैं योग सूत्र। शलभासन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें, थोड़ी को भूमि पर रखें, दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें, अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें, टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आएं, अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। वेलकम बैक। और हम बात करें जानी मानी राइटर किश्वर देसाई से। मैम, आप बात कर रही थी इंडियाज़ डॉटर्स के बारे में, इसी से आगे आपने काफ़ी कुछ लिखा है सरोगेसी के बारे में। तो आपको लगता है अभी भी हमारे देश में वो लॉज बन गई हैं? और सरोगेसी से किस तरह एक औरत पे एक तरह का मेंटल स्टिग्मा होता है, जो वो अपनी वूम रेंट करती है, उस बेचारी को कुछ मिलता भी है कि नहीं? ये किताब भी जब मैंने लिखी थी करीब 8 साल पहले, उस टाइम तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका था। और इसमें ये एक बहुत वरिंग चीज़ ये थी कि जो औरतें बहुत गरीब थीं, जो जिनके पैसे पास के लिए पैसे के लिए कर रही थी, एंड इट कुड बी कि वो अपने बच्चे तो संभाल नहीं पा रही थी या अपने बच्चे भी पैदा नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो इतनी गरीब थी, पर औरों के लिए वो दो दो तीन तीन बच्चे पैदा कर रही थी। एंड दिस वाज फॉर मी वेरी वरिंग बिकॉज वो एक तरह से एक मशीन, एक फैक्ट्री सी उनको बना दी गई थी। और ये नहीं कि वो खुद अकेली कर रही थी, उनके पूरा परिवार कह रहा था हाँ जी जाके करो, स्पेशली अगर हस्बैंड कोई यू नो वाज नॉट डूइंग टू वेल और व्हाटएवर या कुछ भी हो, तो वो देगा कि ठीक है 2-3 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, तो व्हाई डोंट यू गो एंड डू इट। दिस एंड देयर वाज नो लॉ। मुझे सबसे बड़ी बात यही, एक आश्चर्यजनक बात यही लग रही थी उस जमाने में कि क्यों नहीं कोई लॉ है हमारे पास जो इसको रेगुलेट कर सके। इट्स वेरी गुड फॉर द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स तो पैसा कमाएंगे, लॉयर्स भी बहुत कमाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये बैंड है, फिर भी वहाँ के लोग आते थे, यहाँ पे किसी को कमीशन करते थे कि एक बेबी हमारे लिए करो, और जब वापस जाने का टाइम आ जाता था, वो बच्चा जाए चाहे ना जाए, फिर लॉयर्स आ जाते थे बीच में। सो पूरा एक बिजनेस बन चुका था, एक टूरिज्म बिजनेस भी बन गया था कि वो एक टूरिस्ट की तरीके से उनको लाया जाता था, इधर वो आए, फिर वहाँ पे उनको कोई होटल वगैरह में रखा जाएगा, कोई चीज़ें, द कमीशनिंग पेरेंट्स जो थे जिनका बेबी जो कमीशन कर रहे थे। तो यू नो इट हैड बिकम लाइक अ कंप्लीट बिजनेस, अ विशियस सर्कल। एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट देयर शुड बी अ लॉ, एंड यू आर राइट, नाउ देयर इज अ लॉ। आई थिंक द लॉ स्टिल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, बट सर्टेनली इट इज बेटर देन हैविंग नथिंग एट ऑल। आपने सिमरन के बारे में इतना कुछ लिखा है, योर प्रोटैगनिस्ट, कहीं आप उसके अंदर अपनी झलक देखती हैं क्या? नहीं, आई विश आई कुड बी सिमरन। आई थिंक ऑथर्स समटाइम्स मेक अप कैरेक्टर्स that they would like to be like, but they have no hope of ever being like her. और सिमरन और मेरे में बहुत सारे फ़र्क हैं, बहुत अंतर हैं, बट आई वॉन्टेड टू क्रिएट बिकॉज लिटरेचर में भी, लिटरेचर इज़ ऑल्सो वे ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड। लिटरेचर में बहुत कम औरतों के किरदार हैं जिन पे वो पूरी किताब निर्धारित हो। सो शी इज़ नेवर द सेंट्रल कैरेक्टर। जब भी जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, मेल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है, जो फीमेल कैरेक्टर होती है वो एक छोटी सी। सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ कैरेक्टर जो द फीमेल कैरेक्टर इज एवरीथिंग, जो उनके गिर्द मर्द हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ इन कंपेरिजन नॉट सो प्रोमिनेंट। सो माई बुक्स आई क्रिएटेड दिस डिटेक्टिव एज वेल एज सोशल वर्कर। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो टू शो दैट पीपल इन इंडिया हैव अ हार्ट, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि हम एक्सप्लॉयटेटिव हैं। हाँ, खराब चीज़ें भी हो रही हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी आउट, एंड आई वॉन्टेड अ ह्यूमरस कैरेक्टर जिनका यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो हु इन्जॉयज़ हरसेल्फ। ये नहीं कि सीरियस, यू नो, झोला वाली इधर जा रही है उधर जा रही है चेंजिंग द वर्ल्ड, नो, इंटेलेक्चुअल, टोटली इंटेलेक्चुअल। दिस इज अ फन लविंग लेडी
fun-loving woman who goes out and wants to change the world. तो इस तरह के मैंने character फिर invent किया सिमरन का, जो शादी नहीं की है उन्होंने, वो मतलब 40 की उम्र होने वाली है, उनकी माँ उनको रोज़ फ़ोन करती है, वो लड़का जाके देखो, वो लड़का जाके देखो, और वो मानती नहीं है. As if a woman is just a reproduction system, you know. So, but फिर भी इसके बावजूद वो अपना ही मनमर्जी करती है, वो अपनी मनमानी करती है. And she helps others. ये नहीं कि मनमानी बुरी तरीके से हो, but she goes out and she finds causes, जैसे कि इसमें female feticide और infanticide की वो जो problem है उसको unearth करती है. अदर जो दूसरी किताब है उसमें सरगसी, और थर्ड बुक में जब गैंग रेप की एक विक्टिम होती है. एंड आई रियली डू फील बैड बिकॉज यू नो थ्रू लिटरेचर थ्रू बुक्स वी कैन ओनली you know try and shine a light no, and only when there's dialogue then the action exactly, happens exactly exactly haan ji wo kahani sunna chahungi main aapse jo aapki apni kahani hai aur aap samajh gayi main kya baat kis taraf ishara kar rahi hu ki aap lady kishwar desai kab bani aur kaise bani my husband has always been you know you can say a renaissance man he's always been a very modern and a man who has many aspects to his life to ye nahi ki wo sirf economist hain wo indian cinema bhi enjoy karte hain jaise maine bola ki nargis ki kitab ke magar aap jab mile the mere khayal wo dilip kumar se ke through hum mile the kyunki un pe wo ek kitab likh rahe the aur main unki editor thi us zamane mein aur phir we went and met dilip sahab se saira bano ji se bhi mulaqat humne ki aur ye sab पर मेनली आप देखिए इतने रोमांटिक कैरेक्टर के आप ऊपर लिखेंगे किताब तो ऑब्वियसली रोमांस तो होगा ही सो दैट्स हाउ वी मेट एंड इट वाज वेरी नाइस बिकॉज ही वाज माय हस्बैंड एट दैट टाइम वाज वेरी ओपन ही सेड कि अगर आप लंदन नहीं आएंगी तो मैं इंडिया आ जाऊंगा सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का क्या होता है नहीं फिर वो कहते नहीं इट्स ओके आई विल कम एंड स्टे हियर सो आई सेड नाउ यू शिफ्ट यू रीलोकेटेड टू यूके सो आई हैव रीलोकेटेड मैं अब ज्यादातर लंदन में ही रहती हूं पर क्योंकि ये म्यूजियम बन रही थी पिछले 2 सालों में सो आई वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर तो एंड माय पेरेंट्स हैव आल्सो नॉट बीन वेल तो मैं आती जाती रहती हूं बट अदरवाइज आई लिव इन लंदन एंड व्हेन यू गिव ईच अदर द स्पेस for your drafts at home I mean he's writing on economics or you know some such different aspect of financial implications to the UK to aap fir lunch table pe baith ke thodi baat baat karte ho ki ye maine aaj ye likha aapne meri dekho we do share he always shares what he has been writing and I always share what I have been writing sirf ab aisa ho gaya ki hamari ab writing bhi itni badh gayi hai you know shuru mein wo ek kitab likh rahe the saal mein main ab ek ke baad ek wo bhi saal mein do kitabein likh rahe hain aur main bhi do pe abhi kaam kar rahi hu to itna wo discussion ke liye time nahi hai but I definitely really appreciate and enjoy all his inputs aur wo meri har kitab padhte hain and I definitely try and read all of his as well and we give comments and you know sort of jahan tak hum kar sakte hain help you know ke madad agar kisi bhi tarah agar aur kuch nahi to chalo wo jaise london mein to hamare paas koi you know cook aur ye sab to hote nahi hai wahan pe to sab kuch khud hi aapko karna padta hai chai bhi khud banani padti hai khana bhi khud banana padta hai so अगर वो बैठे हैं अपने टेबल पे काम कर रहे हैं तो उस दिन मैं खाना बना देती हूँ जब मैं किताब लिख रही हूँ तो वो खाना बना देती है तो ऐसे फिर चलती है हाँ जी हाँ जी हाँ जी एंड टेल मी मोर ऑफ योर हॉबीज लाइक म्यूजिक या कुछ और है ऐसा जो आपको छू जाता है जी आई एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरी जो एक ही हॉबी है वो है राइटिंग एंड रीडिंग उसमें मुझे इतना प्लेजर मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती अगर दिन में कोई 24 घंटे होते जब हम इंसान काम कर सकता है तो मैं उतने ही घंटे काम करती एंड आई लव सिनेमा से मुझे बहुत शौक है विजुअल मीडियम से और टू वॉच मूवीज टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड टू राइट अबाउट सिनेमा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी सो वो बहुत अच्छा और पुराने हिंदी फिल्म गाने हम सुनते हैं उसमें रिलैक्स करते हैं वी आर इन कन्वर्सेशन वंस अगेन विद अ वेरी एमिनेंट राइटर Kishwar Desai, who is also the pioneer and founder of the Partition Museum of India. तो मैम आपकी पसंद का गीत सुन लिया आप चलते चलते आप एक मैसेज दे दीजिए यंग राइटर्स के लिए कि उन्हें किन चीज़ों पर सोचना चाहिए स्टोरी लाइन पर सोचना चाहिए प्रोटैगनिस्ट पर सोचना चाहिए कैरेक्टर पर और किस तरह वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आपकी तरह
और एक अच्छे राइटर बन सकते हैं? जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अच्छा राइटर वही बन सकता है जो लिखना चाहता है. कोई किसी को आप मजबूरन नहीं फोर्स नहीं कर सकते कि वो राइटर बने. तो अगर आपके मन में कुछ बात है, कुछ ऐसी थॉट्स हैं जिसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, आई ऑलवेज फील दैट राइटिंग इज़ ऑल्सो लाइक अ मसल दैट यू हैव टू एक्सरसाइज. तो जितना आप लिखोगे उतना ही बेहतर आप बनोगे. और लिखना अकेले में नहीं, मतलब कि पहले आप एक डायरी लिखो या कुछ डे टू डे जो आपकी मन में जो भी बातें आती हैं उसके बारे में लिखो. जैसे इफ़ यू आर यंग, इवन इफ़ यू आर ओल्डर, बिकॉज इट्स पॉसिबल टू बिकम अ राइटर एट एनी एज. मैं तो खुद जानती हूँ लोगों को जो 70-80 साल की उम्र में किताबें लिख रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो अगर आप डायरीज मेंटेन करो, उसमें आप अपने थॉट्स लिखो और ज़रूर शेयर करो. क्योंकि आजकल जब हमने शुरुआत की तो कोई, अगर आप किसी मैगज़ीन में आपकी पोएम छप गई तो वाह वाह. आजकल तो आप कुछ भी छपवा दो सोशल मीडिया पे, रोज़ आपके ना 300 लाइक्स तो आई जाएंगे, यू नो, वेदर लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. तो एटलीस्ट आपको कोई रिस्पॉन्स मिलने लगता है. इनकरेजमेंट बहुत आसान है आजकल, पर इसमें फिर एक डेंजर भी है. आप समझने लग जाओगे कि मैं तो बहुत अच्छी राइटर हूँ, तो कल तो मेरे पास पब्लिशर्स एक लाइन लग जाएगी. पब्लिशिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, यस. सो आई थिंक देन सम मॉडेस्टी हैज टू कम इन टू द पिक्चर. एंड इट इज़ बेटर कि उस टाइम फिर आप किसी, अगर आपके पास कोई आपके जहन में स्टोरी है, उसको आप किसी पब्लिशिंग हाउस में भेजिए और देखिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्स आती है. और उसके बाद ही, पर आजकल मैं आपको एक और बात बता दूं कि इट्स नॉट सो ईजी टू गेट पब्लिश्ड, बिकॉज अब पब्लिशिंग हाउसेज हैव ऑल्सो बिकम लिटिल डिसर्निंग कि किसको वो पब्लिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग कैसे होगी. तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अब दो तरीके हैं. अगर आप समझते हैं कि ये किताब मेरी बहुत ही अच्छी है और पब्लिशिंग, तो ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कर लो, या फिर आप सेल्फ पब्लिश कर लो. सो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, बट आई वुड से डोंट गिव अप. मेन थिंग इज, शायद आपके अंदर एक ऐसा आइडिया है जो कल नोबेल प्राइज विन कर ले, हु नोज. सो यू मस्ट कैरी ऑन राइटिंग. एंड ऑन दिस वंडरफुल नोट एंड दिस लवली मैसेज, आई लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन ऑल योर एंडेवर्स. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. With this is a wrap on this edition of Aaj Savere. Thank you for watching, viewers. Namaskar.